Vivo Y28 वर्सेस Oppo A79। तो गाइज आज मैं करने वाला हूँ इसी दोनों फोन का कैमरा टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन, इंडोर आउटडोर, बहुत सारे फोटोज और वीडियोस मैंने क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो में आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो राधे बीट। सो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास Oppo A79 5G और Vivo Y28 5G। तो गाइस बात करते हैं Vivo Y28 5G की, तो यहाँ पे आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं Oppo A79 5G की, तो यहाँ पे भी आपको सेम वही ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे सेम प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं दोनों ही फ़ोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको Vivo Y28 के अंदर जो एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं यहाँ पे Oppo A79 5G की, तो यहाँ पे भी आपको सेम वही एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे इस दोनों फ़ोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस सभी फीचर्स को यूज़ करते हुए इसे मैंने ढेर सारे फोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी। तो आइए चलिए देखते कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल। तो दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हो हमने इसी Vivo Y28 5G और इसी Oppo A79 5G के फ्रंट कैमरे को यूज़ करते हुए क्लिक की है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन से आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आपको इन दोनों में से किसकी कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। We'll be right back.
तो दोस्तों अभी जो आपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल लिखे हो मैंने इसी ओप्पो A79 5G और इसी व्यू Y28 5G के फ्रंट और रियर कैमरे को यूज करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइज आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो इन दोनों के कंपेरिजन में देखा जाए और प्राइस के ध्यान में रखे तो गाइज मुझे पर्सनली व्यू Y28 का कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी। यू नो आपको भी इन दोनों में से कोई भी एक स्मार्टफोन जो बाय करना है स्पेशली कैमरे के लिए तो आप Vivo Y28 5G बाय कर सकते हो। इन दोनों के कंपैरिजन में Vivo Y28 5G का कैमरा क्वालिटी मुझे पर्सनली अच्छी लगी। अब गाइस चॉइस इज योर्स, फोन लेना ना लेना वो आपका काम है, यानी कि कौन सा स्मार्टफोन लेना है वो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है किसी किसी को ओप्पो का पसंद हो तो आप उनका भी ले सकते हो मोबाइल। तो गाइस पूरा डिपेंड आप पे कि आपकी क्या नीड है क्या रिकमेंड है, उस हिसाब से कोई भी एक स्मार्टफोन जो परचेस कर सकते हो। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।